बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, सिद्धांत रस के ये पूरे परिपक्व हैं। आज इस सभा में मैं इनको चिदरूप गोस्वामी गोस्वामी के तिरुभाव महामहोत्सव में इनको अध्यक्ष पद के लिए मैं वरण करता हूँ। क्या
भगवत भजन प्रतिष्ठा ये देखने को सौभाग्य मिला। जगत का विषय में हम लोगों का विरोध और ये लोगों का विरोध एक पर्याय में नहीं, ये लोगों का जो विरोधी था इनमें भी मंगल के लिए ऐसी देखा। एक वक्त एक इंजेक्शन प्रार्थना किया था, मंजूर हुआ था, तो मैंने बोला महाराज अब तो फेल हो गया, हार गया। उन्होंने उत्तर दिया हार के लिए और एक बार जब ये लोग उस विषय में ज्यादा दिलचस्पी लेते नहीं, तब मैंने बोला महाराज इतना मेहनत करके ये किया पर ढीला दे दिया, बोला तो हमारा जय ऐसा इन लोगों को विचार था। मतलब जो भक्ति शुद्ध भक्ति विचार से जो लोग छट रहा था उनको स्वीकार करने पड़ा, इसके लिए जो किया था। तो इन लोगों का चरित्र ऐसे ही है। अभी यहाँ आज जो स्थान पर आया हूँ यह सनातन गौड़ीय मठ, इससे पहले सनातन गौड़ीय मठ भी था, श्री रूप गौड़ीय मठ भी था, लेकिन यह है सनातन गौड़ीय मठ। या इसलिए एक वृंदावन धाम को पुनः प्रकाशित किया रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। अगर सना रूप गोस्वामी नहीं आते तो ब्रज की महिमा किसी को नहीं पता चलता। इसलिए भक्तों ने प्रश्न किया जौ कोली रूप शरीर ना तम ब्रज प्रेम महान कौन कमाल बाढ़ को जानो तो मधुरा बिंदा को जानो तो सूर्य को सब रूप गोस्वामी का ही देर है। वही रूप गोस्वामी हम लोग जो चैतन्य देव का प्रणाम करता हूँ नमो महापदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोलक्तिसेन, ये भी रूप गोस्वामी का सिर्फ रूप गोस्वामी का नहीं चैतन्य देव करते के स्वीकृत जो चैतन्य देव का कोई नमो नारायण बोलने से उन्होंने विरोध करते थे, कान में हाथ लगाते थे और होशियार कर देते थे जीवात्म को ईश्वर ज्ञान कभी नहीं करना। लेकिन वही रूप गोस्वामी जब चैतन्य देव को प्रयाग में प्रणाम किया उन्होंने तो कान में हाथ लगाए नहीं, उन्होंने स्वीकार किया। इसीलिए वो एक प्रणाम मंत्र पे हम लोग प्रणाम करता हूं क्योंकि चैतन्य ने इसको स्वीकृति दिया था। इनका ऐसे ही वैशिष्ट है। चैतन्य ने बताया परिणाम कीर्तन करने के लिए चार योग्यता प्रणाम की सुनी चेनो इस विचार में ये लोग सुप्रतिष्ठित है। जो रूप गोस्वामी का महिमा कवि कर्णपुर जैसे व्यक्ति कितना तरीका से समझाया तभी उनका संतोष हुआ नहीं। क्या बोलो प्रिय द्वैत प्रभु ने करू तकान सभी आसन इतना विशेषण लगाया तब भी संतोष हुआ नहीं। मैं रूप गोस्वामी का बारे में कुछ कार्य वही रूप गोस्वामी शिक्षा दिया। किसी वैष्णव ने मुझे सवाल दिया था वही बात हारमोनिस्ट में निकाला था जो बाद में यहाँ भी छपाया था।
उन्होंने बोला उसमें जो मुसलमान जितना श्रेष्ठ होते हैं उनका इतना ही जन्म होता है, देनो तो भरता है, ऐसा बोला। पर कैसे संभव ऐसा उन्होंने सवाल किया। मैंने बोला इसका नाम बताओ, रूप गोस्वामी भक्ति रज्जु का ऑथोरिटी। उन्होंने क्या बोला, आधारित्व पराधानम अविवेको हतत्वम तत्कारुण्य प्रतीक्षस्मि प्रसीद मयी। ऐसे हे बोला, क्या बोला, भक्ति वंचति यद्यपि माद नई मम तीन तीन मात्र भक्ति भी नहीं है। उन्होंने ऐसा जन्म किया तो मांगते हैं क्यों कृपा, भक्ति से जो मिलता है। उन्होंने बोला आपका महिमा से मांगता, आपका जो महिमा आपका जो माया ये अपटन पटन पटी जो संभव नहीं उनका संभव करते थे। कविराज गोस्वामी इसका बारे में बताया, आपनी अयोग्य जानी मने हरे हो तथापि तुम्हारे गुणे उपजे। लोग इसीलिए होता है आपका महिमा से। ऐसे रूप गोस्वामी देखाया विचार, सभी जो कीर्तन करते हैं रसजास्त्रा में चैतन्य ने एक श्लोक उच्चारण करते तत्व प्रकाश का नायक नायिका का व्यवहार है। सब लोग सुन के हैरान रहा, महाप्रभु किस भाव से इस श्लोक को उच्चारण किया, लेकिन मतलब किसी को मालूम नहीं। एकला स्वरूप दामोदरी जानते थे और उसी अनुसार कीर्तन से प्रभु को आनंद देते थे। लेकिन जब रूप गोस्वामी गया उसी नाम एक श्लोक रचना करके राग दिया, कहां पर जहां पर ये लोग रहते थे सिद्ध बहुत आजकल कहते हैं तो झोपड़ी का छत पर रहा ताल पत्ता में लिख पर चैतन्य ने नियम अनुसार वहां आकर जब देखा तो उसी को लेख देखकर बहुत ही तारीफ किया। तारीफ करके क्या बोला, ये मेरा दिल की बात ये कैसे जान लिया। प्रेम से उन पर थप्पड़ लगाया और ये बात बोला, मेरा दिल की बात कैसे जान लिया। क्या कर दिया, उनका जो स्वरूप दामोदर सार्वभौम जो हुआ है क्या उत्तर दिया, जब आपने कृपा किया तभी जान सका। आपका कृपा बगैर कोई आपका दिल की बात नहीं जान सकता। चैतन्य रंजन क्या बोला, इनका युद्ध समझ कर प्रयागराज में कृपा किया था। इससे क्या साबित होता है, ये रूप गोस्वामी जो बात बोलते हैं ये चैतन्य देव का दिल की बात। इसीलिए इनका बातों का इतना कीमत है। जो चैतन्य ने इस जगत में आया था ऐसा वस्तु प्रदान करने के लिए जो कोई इसी युग में कभी भी नहीं किया, वो कौन सा वस्तु है, अनोपित चरिन शिरा करुणयावतीर्ण बहु ऐसी वही वस्तु उन्नत उज्जवल रस जब कभी भी दिया वो देने भी दिया है। उस रस
ग्रहण करने के लिए योग्यता कैसे होना चाहिए और ये कैसे अनुशीलन करना चाहिए इसका बारे में शिक्षा दिया रूप गोस्वामी। इसका बारे में रूप गोस्वामी, इसीलिए वही रूप गोस्वामी को ही निमित्त करके श्री चैतन्य ने भगवान का वेद शास्त्र में तीन किस्म का उपदेश दिया, संबंध अभिनय प्रेम। संबंध होता है भगवान उन सब वस्तु, जीव उन सब वस्तु आपस में क्या संबंध है, यह संबंध और भगवान हमारा चरण प्रयोजन, वही भगवान को प्राप्ति के लिए जो उपाय इसको कहेंगे अभिदेव, वही अभिदेव का बारे में विस्तार से वर्णन किया गोस्वामी। अभिदेव क्या है, अभिदेव है भक्ति, इसलिए उन्होंने भक्ति शास्त्र ही ग्रहण किया। साधारण भक्ति के बारे में वर्णन किया भक्ति रसामृत सिंधु ने, और इसको विशेष रूप से वर्णन किया उज्जवल नील ने, एक वर्णन किया भक्ति का अंग साधक के लिए 64 किस्म का भक्तन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया और यही शिक्षा दिया। कई लोग ब्रह्मांड में बहु किस्म का जीव भटक रहा है, इसमें से सबसे कम मनुष्य, और मनुष्य के अंदर में भी ऐसा मनुष्य है जो नाम में मनुष्य काम में कुछ पशु जैसे, उसका बाद में भी वेद मानने वाला बहुत कम है। वेद मानने वाला का भी नाम में वेद को मानते हैं लेकिन वेद निश्चित जब लिया इसी माँ भी अगर विचार करेंगे तो देखा जाता है शुद्ध भक्तों बहु विमला वही भक्ति को प्राप्ति के लिए गोस्वामी एक वर्णन किया। कौन इसका ग्रह बन सके तो कहा क्या था, ब्रह्मांडो भ्रमित कोनो भगवान हरि नहीं, कोई भगवान गुरु और विष्णु का प्रसाद से कृपा से भक्ति रूप बीज को प्राप्त करता है और यही भक्ति रूप बीज को प्राप्त करके सर्व पितन वृद्धि जल सेचन से इसको प्राप्त मालिक होगा। ये ब्रह्मांड भेद करके चला जाता है जगत में रहता है, जगत में पास रहेंगे विरज ब्रह्म परम भूम उसका ऊपर जाते हैं गुरु वृंदावन। उन्होंने वही गुरु वृंदावन का बारे में भी बताया जो दूसरी समुद्र ऐसा एक अमृत जो जीव को मिलने से एक जगत का तरफ ऐसा कि वैकुंठ का तरफ भी उनका निगाह रहेगा। इतना ऊपर बड़ा वस्तु नहीं किया और कोई वस्तु को लिए कोशिश करे तो उसमें कोई क्लेश रहता है। ऐसा कि एक व्यक्ति को मिलने से और व्यक्ति को कम नहीं पड़ेगा ऐसा वस्तु असीम वस्तु जगत में ब्रह्मांड में जो सब कर्मी ज्ञानी जो वस्तु के लिए लालसी है एक को मिले तो दूसरी को मिलेगा। संत का राजा एक ही बनेगा जो सत अश्वमेध युद्ध करेगा, छह अश्वमेध युद्ध करने से मिल जाएगा।
सजनम का संन्यास परम संन्यास पालन करे तो ब्रह्मा भी बन सकता है, लेकिन एक जगत का इसमें एक दूसरे का साथ झगड़ा है या समाप्त नहीं हुआ, लेकिन वैकुंठ वस्तु में कुंठा धर्म है ही नहीं, इसलिए कलह होती ऐसा उसी वस्तु किसी को कम नहीं पड़ता। वो कौन है? वो रसोमय वस्तु का रस, रस इतना किस्म का पांच, शांत दस्य सत्य वासुंद। और ये भक्ति मार्ग ऐसे ही मार्ग, ऐसे ही रास्ता है जहां पर एक दूसरे का साथ जिला भाव ईर्ष्या नहीं रहता। इसलिए देखा है विचार इतना बात बोलने की ताकत नहीं, समय तो नहीं होता। ऐसे भगवान का कृपा से ऐसे ही अवस्था आ गया जो ना बैठ सकता हूँ ना चल सकता, लेकिन बहुत दिनों से इच्छा था तुम्हारे दशा मिलने के लिए। बहुत पुराण मित्र है बहुत, लेकिन नवद्वीप धाम परिक्रमा ने भी दर्शन किया। जब भी मैं गया था कमरा से कुर्सी में बैठता था, मंदिर तक जाने से प्रणाम नहीं जानते, वहीं बैठ के सब प्रश्न दर्शन करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से महाराज जी को दर्शन मिला ताकि सब प्रश्न मिला। तो मेरा इच्छा था और यह आसनी आदि के लिए मैंने मना कर दिया था, लेकिन गुरु वैष्णव की इच्छा से आने के लिए मैं गया। इसलिए इसी रास्ता में आया, थोड़ा थोड़ा अलग सा रास्ता चल नहीं सके ऐसे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, हमारा कमी है, ताकत कम हो गया, इसलिए मैं यहाँ विश्राम देता हूँ और समस्त वैष्णव को प्रणाम करता हूँ। कोई भी ग्रंथ सुलभ नहीं था, कोई भी ग्रंथ सुलभ नहीं था, और जब ग्रंथ सुलभ हुआ तब तावत चला गया पढ़ने का। ऐसे हम लोग एक तरफ से दुर्भाग्य, दूसरी तरफ से सौभाग्यशाली है जो सब वैष्णव का दर्शन सेवा का सुख मिला था, आजकल ऐसा देखने के लिए मिल गया। एक दोनों तरफ ही श्रीमद भक्ति वेदांत माधव महाराज
इस विषय में कुछ श्रवण करें। कोई खाने चाहिए
महाप्रभु के मनोभीष्ट किया और कैसे पूर्ण किया, पूर्ण किया, इसको आलोचना करने पर ही इस विषय वस्तु परिष्कृत हो जाएगा। उसमें जब महापुरुष रूप से मिले थे, उनको आदेश दिया था, चार आदेश, लुप्त दीक्ष उद्धार, श्रीग्रह प्रकाश, भक्ति सुरजा ग्रंथ प्रणयन और वैष्णव स्मृति प्रकाश। श्रीमान महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चार आदेश दिया था, तो रूप गोस्वामी क्या किया, लुप्त तीर्थ उद्धार, महाप्रभु के आकस्मिक ब्रज में आकर ब्रज के विभिन्न तीर्थों को प्रकाश दिया। नंबर दो, श्री ग्रह प्रकाश, जो रूप गोस्वामी पास वृंदावन परिक्रमा करते हुए गोमा टीला में देखा कि गोमत आकर के अब जीरा खड़ी होती है, अपने आप स्तन से दूध चुचुआता है, फिर देखा एक छोटे से गड्ढे में चला जाता है। सोच रहे थे, एक वृद्ध ब्राह्मण ने इस दिन कहा, बाबा तुम क्या ढूंढ रहे हो? तब तो मैं गोविंद जी को ढूंढ रहा हूँ। तब बताया, इधर तुम खोज करो। वही गोविंद जी स्वयं ब्राह्मण के शरीर में आकर उनको बताया, गोविंद देव को प्रकाश किया। नंबर तीन, भक्ति ग्रंथ प्रचार। यदि हम अपने को रूपांग को वैष्णव कहते हैं या वैष्णव भी कहते हैं साधारण रूप में, तो रूप गोस्वामी के ग्रंथ के सिवाय हम भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो रूप गोस्वामी चरण अनुगत होना ही पड़ेगा। बिना रूप गोस्वामी के अनुगत किए कोई भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। किसी भी भक्ति राज्य में किसी भी प्रकार की परिभाषा है रूप गोस्वामी पास अपने गोस्वामी सिंध में दे दिया। और उनके कितने ग्रंथ हैं, कितने टीका हैं, ग्रंथ बहुत सारा ग्रंथ है। और इसको पाने के उपाय क्या है, जो उनका मनोगत भाव है उसके लिए उज्जवल निर्मणि में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और वैष्णव सदाचार ग्रंथ श्री सनातन गोस्वामी पाद हरिभक्ति विलास में दिखाया, ये जो महाप्रभु चार इच्छा थी, चार आदेश था, इसको पालन किया, इसलिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम। दूसरी बात है, श्री कृष्ण जब ब्रज में प्रकट लीला कर रहे थे, जब अप्रकट लीला में प्रवेश किया, अप्रकट लीला में प्रवेश करके चिंतन कर रहे हैं, अहो मैं ब्रज में रहते हुए दास सुख वात्सल्य सब मैं अनुभव किया, लेकिन राधा जी का जो भाव है, इसको राधा जी का भाव तो मैं था नहीं पा सका, तो क्या करूं, कैसे करूं? तो उनके मन में कुछ इच्छा हुई, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण यही दुई हेतु इच्छा उद्गम। स्वयं रसिक शेखर है और परम करुण है, ये दो कारणों के कारण उनके कुछ इच्छा का उद्गम हुआ। क्या इच्छा है? श्री राधाया प्रणय महिमा किंतु इन श्लोक में बताया, तीन इच्छा थी जिसको प्रकट ब्रज में पूरा ना कर सके। उसका पूरा करने के लिए राधा भाव अंगकांति ले, भाव एवं अंगकांति लेकर के कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में जगत में प्रकट हुए। तो प्रकट होकर के उनको जो आसरण करना था, और रथ यात्रा के समय वो किस कारण क्या करते हैं किसी को समझ में नहीं आता था। जैसे आप लोग अभी श्रवण किया, महाप्रभु रथ यात्रा में एक प्राकृत नायक नायिका के संबंधी श्लोक उच्चारण किया। ये श्लोक संस्कृत साहित्य अपरप्रास में एवं साहित्य दर्पण दो स्थान में मिलता है। प्रिय सोन सहचरी कुरुक्षेत्र मिलते इस श्लोक में, इनके अंतर्निहित भाव केवल स्वरूप दामोदर प्रभु ही समझते थे। इसको भाव को समझ करके और उनके अनुसार कीर्तन करके महाप्रभु को आनंदित करते थे। एक समय महाप्रभु की कृपा से एक साल रूप गोस्वामी पद आए थे। रूप गोस्वामी पद ब्राह्मण वंश अवतीर्ण होने पर भी अपने को बहुत दिन ही समझ कर हरिदास ठाकुर के साथ सिद्ध गोकुल में रहते थे।
महाप्रभु के समाभाव को समझ करके उसी के पैरेलल श्लोक रचना कर दिया, कृष्ण स्वयं सरस्वती कुरुक्षेत्र मिलित, लिख करके लिखा कैसे, कागज कलम उस समय नहीं था, तालपत्र में लिखा, लिख करके जो हृदय झोपड़ी उसके अंदर रख दिया। महाप्रभु नित्य प्रति नियम था जगन्नाथ जी का दर्शन करने के उपरांत हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए आते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर कभी भी मंदिर के अंदर नहीं आते थे, इसलिए महाप्रभु कृपा वाहित की कृपा करके उनको दर्शन देने के लिए आते थे। जब महाप्रभु आके पहुंचे, साथ में उनके स्वरूप दामोदर सर्वभट जो और लोग थे, उस वैसा ही बात समुद्र स्नान करने के लिए गए थे। महाप्रभु बैठे हुए थे, देखा क्या एक तालपत्र कुछ लिखा हुआ है, उसको निकाल लिया, और रूपस्वामी के जो अक्षर हैं सुवर्ण पाती, इतने सुंदर अक्षर हैं, यानी अक्षर बोल रहा है साक्षात। महाप्रभु पढ़ करके भवाविष्ट हो गए, ये रूपस्वामी पास आकर के प्रणाम किया, महाप्रभु प्रेम से उनको पीठ पर एक थप्पड़ लगाया, अरे रूप तू मेरा मन का भाव कैसे जान लिया। स्वरूप दामोदर ने बताया जरूर आप उनको स्वीकार किए होंगे। तो महाप्रभु बताया हाँ, इनको योग्य पात्र देख करके मैं उनको प्रयाग में कृपा शक्ति शक्ति संचार किया था। ऐसे महाप्रभु ये मनोभीष्ट भाव इसको पूरा किया, इसे सिचैतन्य मनोभीष्टम। तीसरी बात, महाप्रभु स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण ही है, जैसे कहा भागवत में एतेतांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन महाप्रभु को डायरेक्ट रूप में किसी का कहने की हिम्मत नहीं हुआ, जब तक भी सर्वम भट्टा जी ने लिखा था वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा तब एक पुरुष उदान श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धि जस तमाम प्रपद्ये और कालानष्ट भक्ति योग दृश्य। जब महाप्रभु को प्रदान किया गया, महाप्रभु पढ़ करके उनको तोड़ के फाड़ के फेंक दिया। रूप सही बात सबके सामने नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः हरिय पुंडर सुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय स्कंदे स्फुरत रूप सचिनंदन। इन श्लोक में दो बार महाप्रभु को कृष्ण हरि रूप में वर्णन किया। डंके के चोट पर ये कहा सबके सामने, महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए जब तभी बाहर में अपना रोष प्रकाश किया, लेकिन ऐसे किसका हिम्मत नहीं हुआ महाप्रभु के सामने इनको कृष्ण कहने की या भगवान कहने का। ये रूप से सबसे पहले कहा, इससे पहले कोई नहीं किसी कहने का हिम्मत नहीं दिखाया। चौथी बात, उन्हें क्यों सुचेतन मनोविष्टम कहा गया। जब महाप्रभु किस लिए आए थे, अनर्पित चरिन चिरा करुणाय तीर्ण कलो समर्पित उन्नत जल रसांश भक्ति श्रेयम। तो राधा जी के तीन भाव आसदन था उनको, आसदनीय ये देने वाला चीज नहीं है, क्या देने के लिए आए थे, रसान सभक्ति श्रेयम, सभक्ति रस, सभक्ति करने क्या तात्पर्य है, स अर्थात अपना, अपना भक्ति। महाकृष्ण के अपना भक्ति देने के लिए आए थे, इसलिए बाद में बोलते हैं सभक्ति श्रेयम, भक्ति ये सौंदर्य है उनकी भक्ति। सभक्ति क्या है, जब कृष्ण के प्रति सखा के भक्ति भी सभक्ति है, क्योंकि स अर्थात अपना, और कृष्ण के माता पिता भी कृष्ण के अपना है, जितनी ब्रज गोपियां उन भी अपना है, इनमें से उत्तरोत्तर जाने पर सर्वश्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधा ठाकुरानी। इसलिए कहा शास्त्र में तयोपि उभय मध्ये राधिका सर्वताधिका महाभाव स्वरूपेयं गुणैरति वरीयसी। राधिका सर्वश्रेष्ठ है, तो कृष्ण का स्व कहने पर कौन है, श्रीमती राधिका, उनकी जो भक्ति है उन भक्ति की श्री को देने के लिए आए थे। भक्ति श्री अर्थात सौंदर्य, इसको भवोल्लास रति या मंजरी भाव कहा गया। राधिका हयन कृष्ण प्रेम कल्प लता गोपिका हयन तार पल्लव पुष्प पाता। यदि केवल लता अकेली होंगी उनका कोई सौंदर्य नहीं है, जब तक पत्ते पुष्प मंजरिया न हो उनका सौंदर्य नहीं है। तो जो स्वभक्ति स्वयं अर्थात मंजरी भाव देने के लिए आए थे महाप्रभु जगत को, और रूप से बात उनकी इच्छा को जान करके जगत में प्रचार किया। कैसे, इससे पहले महाप्रभु के पहले और हमारे गोस्वामी वर्ग के पहले 400 आचार्य आए, लोग भक्ति दिया, भक्ति रस नहीं दिया, और भक्ति को भक्ति रस में कैसे परिवर्तित किया, परिवर्तन किया जाता है ये भी नहीं दिखाया। श्री चैतन्य महाप्रभु की अवैध कृपा से स्वरूप सही बात अपने भक्ति स्वामी सिंधु विशेष करके
उज्जलमय रस में दिखाया, उज्जलमय ग्रंथ में दिखाया, स्थाई भाव के ऊपर प्रॉपर प्रोपोर्शन में विभाग अनुभव सात्विक व्यभिचारी करके कैसे दासरस सौखरस बात्सल्य रस विशेष करके मधुर संपन्न होता ये दिखाया। कई भक्त जो कुशल भक्त हैं, जो गुरुपाद पद्म की वायु सेवा की है और निष्कपट सेवा की है, उनकी वायु कृपा से समझ करके प्रॉपर प्रोपोर्शन में इनको आसन कर सकते हैं। ये रूप गोस्वामी दिखाए थे श्री चैतन्य मनोभीष्टम। और ये महाप्रभु के और जो भावे हैं जो उसने रूप गोस्वामी ने दिखाया, इससे पहले किसने नहीं दिखाया। इसमें नरोत्तम ठाकुर ने कहा श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले। इस रूप गोस्वामी को जानने के लिए हम डायरेक्ट रूप गोस्वामी पास नहीं जा सकते, उनके पास जाने के लिए उसके लाइन में जो रूपानुगो गुरुवर्ग हैं गुरुपाद पद्म के अनुगत में रहकर उनके साधक प्रतीत शरीर की सेवा और आपन भाव को समझ कर सेवा करने पर तभी संभव है। रूप गोस्वामी कब आए थे हम किस रूप में थे कोई पता नहीं। रूप गोस्वामी पद आकर के मुझे संसार से उद्धार नहीं किया, हमें गुरुपाद पद्म में आके उद्धार किया। और एक रूप गोस्वामी का वैशिष्ट कह करके मैं अपने वाक्य को विराम दूंगा। जब तक रूप गोस्वामी पद महाप्रभु के परिकर हैं और जुगल किशोर में रूपमंजरी थे, रूपमंजरी आकर के इतनी सेवा की जिससे प्रसन्न होकर के राधा ठाकुर ने उनको कुछ देना चाहा तो रूपमंजरी इनकार कर दे मैं ये नहीं लेता। तब राधा जी अवाक होकर के बोली अरे तू रूपमंजरी इतना क्यों मिटला रही हो, मेरे उतने हुए वस्त्र को सब सखियां ले लेके ललायत रहती है, तू इनको इनकार कर दे बात क्या है। तो रूपमंजरी ने कहा अगर आप देना ही चाहते हैं, अगर प्रसन्न नहीं हो मैं एक वरदान चाहती हूँ। क्या वरदान? कि करुणा मूर अर्थे वृंदावन चक्रवर्तिनी और वृंदावन के सम्राटी, अगर आप देना ही चाहती हैं तो कंस रिपु जब आपके पास मिलने के लिए आएगा पहले मुझे अनुनय विनय करें, मुझे अनुनय विनय प्रसन्न करके तभी कुंज में जा सकते नहीं तो नहीं। तो राधा जी होते ये अमृत यही होगा। रूप मंजरी होकर के किस प्रकार जुगल किशोर की सेवा लाभ कर सकते हैं रूप मंजरी नहीं बताया। कौन दिखाया? रूप गोस्वामी पद दिखाया, जो महाप्रभु की इच्छा थी कैसे मंजरी भाव में सेवा की जाती है। इसलिए ये भी कारण है श्री चैतन्य मनोभीष्टम क्यों कहा गया। और मुझे रूप गोस्वामी आकर जगत से उद्धार नहीं किया, गुरुपाद पद जगत में आके उद्धार करके किया बताया बेटा तू कहां रच पच रहे हो, इधर राजा देखो इसमें कितना अमृत है। इसलिए मैं रूप गोस्वामी की वंदना करने के पहले मैं गुरु के चरण नहीं प्रणाम करता हूँ और उसी में रूप गोस्वामी प्रकाश देखता हूँ, मुझ पर कृपा करें। उन्हीं के वाली कृपा से मैं रूप गोस्वामी को जान सकता हूँ, सार गोस्वामी को जान सकता हूँ, महाप्रभु कृपा को अनुभव कर सकता हूँ और जीवन की सेवा के लाभ कर सकता हूँ। इसलिए यही प्रार्थना करता हूँ तवानुगते रूप मंजरी रथ दक्षताय ललितार गणे सभी जुगल सदाए हरे कृष्ण वंशा कल्पतरुण भक्ति वेदांत माधव महाराज जी ने श्री रूप गोस्वामी के वैशिष्ट्यों पर बहुत अच्छी तरह से बोले। और भक्ति वेदांत दामोदर महाराज जी संक्षेप में उनके चरणों में पुष्पांजलि दी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृष्ण भवनामृत
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, आनंद वृंदावन चक्र, इन सब ग्रंथों में झूलन का बहुत ही महत्व है। श्रावण महीना आते ही ब्रज की विवाहिता युवतियां अपने पिहर में आती हैं, कदम्ब वृक्ष के डार में अथवा नहीं हो तो आम के और नहीं हो तो घर में ऐसे ही झूला लगा कर जरूर झूलेंगे। कुंवारी कन्याएं भी झूलती हैं। हमारी राधिका जी की श्रावण महीना आया और श्रावण महीना आते ही हमारे पिताजी ने हमें बुलाया नहीं, श्रावण महीना चल रहा है। बड़ी उदास होकर के बैठी थी, इतने में श्री राम भैया वहां पर उपस्थित थी। श्रीमती राधिका जी रोने लगी, भैया तुम लोग सभी हम लोगों को भूल गए, पिता और माता जी भी हमें भूल गए, श्रावण महीना आ गया अभी तक बुलाया नहीं। नहीं नहीं बहन, अभी माता पिता के कहने से ही मैं आ रहा हूँ, मैं ले चल ले चलो हमारे साथ। मुझे ऐसे नहीं, हमारी सास श्री जमला जी है, उनसे आदेश ले लो तब चले। उन्होंने वे श्रीराम भैया जी गए, जटला जी को प्रणाम किया और कहा कि श्रावण महीना आ रहा है, हमें बहन को कुछ दिनों के लिए आप भेज दी। वो बड़ी प्रसन्न होकर के भैया लेकर के जब आए तो वहाँ उस दिन तो विश्राम किया, दूसरे दिन झूला लग गया कदम से की डाल में, जहाँ अभी राधिका जी का विशाल मंदिर बना है। कदम्ब केदार में झूला डाल दिया, सखियां झूला गई। कृष्ण ने किसी प्रकार से बहाना करके छल करके वो भी नंदगांव से वहां पर पहुंच गए और राधिका जी के लिए प्रतीक्षा करने लगे। राधे झूला न पधरा दो, झुक आई बदर बदरी, झुक आई बदर राधे झूलन पधार, जल्दी से आ जाओ। कौन कह रहा विशा का झूलन पधार, झुक आई पधार। अभी तो रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है और यदि जोर से वर्षा आ गई तो फिर तो झूलन नहीं होगा। अली मान ना करो, हठ ना करो, ऐसे मान ना करो, छोड़ो रहे अली। अरे अली और सखी हट छोड़ो, तुम्हारा प्रियतम तुम्हारे लिए अभी तक प्रतीक्षा कर रहा है और तुम मान करके हो, जानती हो क्या होगा। जब ऐसा ही तुम्हारा मान और हट रहा तो राधा कृष्ण जी तुम्हारे लिए प्रतीक्षा अधिक नहीं करेंगे, वो चंद्राधिक्षा झूलने लगेगी और तुम ऐसे देखते ही बैठ जाएगा, तुम्हारा मान धरा रह जाएगा, इसलिए जल्दी से पधारो झूले में, कम करके उनको ले आते। इसी तरह से प्रत्येक प्रत्येक प्रज की लड़कियां आती है अपने पिहर में झूला में। इस कथा से झूलन से संबंधित सनातन गोस्वामी में भी देखा जाता है। एक समय राधा कुंड में श्री लवरूप गोस्वामी जी बैठे हुए थे, सनातन गोस्वामी जी उनके पास में गए, पूछा तुमने कुछ लिखा? कहा भैया हमने लिखा है। क्या लिखा है? उस लोग क्या है, त्यागंगनी भगवचना गौरी प्रवरेंदी बरम बरम मनिस्तवक विद्वती बेनी बलंगना फना बेनी बलंगना फना। उन्होंने देखा कि पहले श्लोक में राधे जी की बेनी की तुलना नागिन काली नाग से किया, उनका पिछला भाग बेनी का जरा कुछ इस प्रकार से सर्प जैसा उठा हुआ। सनातन गोस्वामी ने कहा भैया तुमने लिखा तो बहुत अच्छा,
किंतु तुमने हमारी बड़ी सुकुमार और मधु राधिका जी की पेड़ी की तुलना तुम लोगों ने तुमने एक काली नागियन से जो बीस से युक्त है उसे दे दी। तो भैया इसमें सुधार कर दो। तो वो बोले अच्छा चिंता करने लगे तो कोई शब्द उसके बदले में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद में बोले अच्छा मैं दूसरे दिन अभी आऊंगा सोच विचार करके लिख दूंगा संशोधन कर दूंगा। उसी समय में जहां से निकले तो राधा कुंड के पश्चिमी तट पर अभी भी कदम्ब के वृक्ष अब था अब तो नहीं है तो वृक्ष में देखा क्या कदम्ब की डाल में झूला लगा हुआ है और एक सखी बीच में बैठी है बड़ी सुंदरी है और आठ सखियां उसे झूला रही है। सनातन गोस्वामी जी देख करके दौड़े लाली लाली तुम्हारे केश में बेड़ी के ऊपर में सर्पणी काली लाल बैठी है और उसे तुम्हें दस सकती है सावधान। इतना कह करके दौड़ करके निकट आने पर ही साथ साथ में नीलाम सब ध्यान हो गई झूला कहाँ गया और सखियां भी राधा जी ने उनके तरफ में मुस्कुरा करके और चले। सनातन गोस्वामी ये क्या हुआ ओ, मुझे शिक्षा देने के लिए जरूर की कोई भी बात गलत नहीं हो सकती इसलिए उन्होंने हमको प्रत्यक्ष रूप में दिखलाया है कालिदास नागनी का जी उनके पेड़ी के ऊपर आए दौड़ करके फिर रूप गोस्वामी जी ने के पास और बोले जी भैया तुम्हारी गलती नहीं है तुमने ठीक दिया है और इस प्रकार से कहा कर जय रूप सनातन पत रघुना श्री जीवा गोपाल भगदाशोभना हे जय गो साई कोरी चरण बंदन जय वैद्यना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा शिव सनी गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम So, first of all, I have to pronounce the Lord's feet of Sri Guru Parapadma, on Vishnu Path, Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, also Sri Dandi Sannyasis, Vaishnavis. So, Sri Gurudev has asked, ordered me to speak something of Sri Rupa Goswami. With what I can say, the glories of Rupa Goswami is like a huge ocean. And devotees like Gurudev and Vaishnavas, they're like twinklers jumping in that ocean. And I'm like an ordinary machli. So what I can say, yadyapi samadishu vidyapi pasati nātava nākagamadichyam idam nichami nisamya tavachutu tadāpiti kripāpute vichyam. Even Lord Brahma, he cannot see the toenails of Sri Krishna or just speak about the toenails of Sri Rupa Goswami Pad. So I'm not qualified at all. With what I've heard from Guru Vaishnava, then I will try to speak on that thing. Because what power we have to glorify Sri Rupa Goswami. Only those who are the followers of Rupa Goswami, they have that adhika, that power. So especially tonight, just in my 5 minutes, I want to discuss what it means pranam. Three very famous pranam mantras to Sri Rupa Goswami Pad. The first is by Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. In his introduction to Sri Madhurya Kadambini, he wrote, Bhakti Purva Asrita Tamstu Rasam Pasat Yada Yadatadi Tam Naomi Satatam Rupam Nami Priyajanam Hari. He said, Vishwanath Chakravarti Thakur wrote,
Before Rupa Goswami, those who had purva bhakti ashrita tamstu, those previous devotees who had taken shelter of bhakti, only they knew what is bhakti, nothing more than that. That includes devotees like Sri Grandfather Bhishma Pitama, Hanuman, or to speak of even devotees like Sri Jayadev Goswami. Sri Jayadev Goswami, when he wrote Smaragara Lakandanam, then he was hesitating how to write such a thing. Because even in a great high-class devotee like Sri Jayadev Goswami, some touch of Aishwari Bhav must have been there. Otherwise, how he could hesitate to write? There before Rupa Goswami, people knew what was bhakti, and that had been established. But no one had heard of what is bhakti ras. Therefore, that Priya Janam Hari, that dearmost devotee of Sri Krishna or Sri Chaitanya Mahaprabhu, whose name is Sri Rupa Goswami, Dham Satatam Naomi. Again and again I give my obeisances to that Sri Rupa Goswami. Sri Rupa Goswami, he took the five ingredients of when practicing bhakti, anandanavritti, nishta, ruchi, ashakti. One comes to the platform of bhav bhakti. When that bhav bhakti matures very deeply, then it takes five types of swabhav, or five types of sthaibhav. Santa, Dasya, Sakya, Bansalya, and Madhu. So this sthaibhav, when it mixes with the four ingredients of vibhav, anubhav, sancharibhav, and sattvikbhav, these five ingredients, when they mix together, they produce a very astonishing thing called bhakti ras. Of course, in this body, one cannot experience bhakti ras. It's a very high stage. But before Rupa Goswami, no one had heard of these things. Therefore, what to speak of establishing rasa bhakti, Sri Rupa Goswami established parakya ras, the topmost level of this rasamai bhakti. And what to speak of that? Finally, he glorified the separation of Srimati Radhika. Therefore, Sri Rupa Goswami is in such an astonishing position. After the Goswamis, then came Prabhutraya, Narasam, Srinivas, and Shamananda Prabhu. These devotees, they spread the teachings of Sri Rupa and Raghunath all throughout India. And the followers of those Prabhutraya, like Srila Gurudev and Guru Bhargava, they are spreading the message of Rupa and Raghunath all throughout the world. Therefore, Sri Narottam Das Thakur, he wrote, Sri Chaitanya Manobhistam Stavitam Yena Bhutale Swayam Rupa Padaman Nabhati Svapadantikam. What an astonishing thing. Bhagavan fulfills the desires of everyone. Even the demigods headed by Brahma and Shiva, when there's some disturbance in this world, then Anta Vishnu Padamam Parasadhyanti Surya Divya Chakshu Sathitam. All the demigods take shelter of Vishnu to have their desires fulfilled. Sarvasya Chaham Riddhi Salivisto Matasmriti Gyanam Apohanascha. Bhagavan in the heart of every jiva, he's fulfilling the desires of everyone. But Bhagavan Sri Krishna, he fulfills even the desires of other incarnations. Therefore, Swami Bhagavan Sri Krishna, who can fulfill his desire? If you think about it, it's really an amazing thing. What is the desire of Sri Krishna? It's very hard to fulfill the desires of someone who's Atmaram and Aptakam. If a Krishna is endowed with the qualities of Atmaramata and also Lilaramata, Krishna, because Varudharma Asraya, because all opposites are inside Sri Krishna, then he possesses both qualities of being self-satisfied and also being desirous of being satisfied by others. Therefore, who can satisfy the desires of Sri Krishna? Bhagavan is unlimited, therefore, according to the vichar of Lilaramata, his desires must also be unlimited. And who can fulfill the desires completely of Sri Krishna? That alone is Srimati Radhika. Therefore, and who can fulfill the desires of Srimati Radhika? Srimati Radhika's only desire is to meet and to serve Sri Krishna. And who fulfills her desire? That is Sri Rupa Manjari. She makes all arrangements for the joining of the divine couple, Sri Radha and Krishna. Therefore, the position of Sri Rupa Manjari is completely astonishing because he satisfies Srimati Radhika and Sri Krishna both.
But then, if you look, the desires of Sri Radha and Krishna are completely satisfied when they come in the form of Chaitanya Mahaprabhu. Sri Radha Bhav Jyoti Sevalitam Naomi Sri Krishna Surupam. Because Krishna Ma and Radhika in the form of Mahaprabhu, they have complete meeting. Therefore, can it be possible to fulfill anything more than that? So where Krishna Lila ends, there Gaura Lila begins. So no one could imagine that the divine couple in the form of Chaitanya Mahaprabhu will have some unfulfilled desires. But who? What are the three desires of Sri Chaitanya Mahaprabhu? Because Rupa Goswami fulfilled them, Sri Radhaya Praniya Mahima Kriso Vani Swadyo Yena Bhuta Marirurma Kitiso Vamadiya Saukyam Chasyat Mat Anubhavata Kitiso Ventiloma Tatbhava Samajani Sachit Sindhu Gava Harim Namrata. So Rupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu came to this world with three unfulfilled desires. No one could imagine that Swami Bhagavan Krishna could not fulfill all his desires. Therefore that when Krishna Lila reaches its topmost point, that is Gauranga Lila. So how Sri Rupa Goswami fulfilled the desires of Sri Mahaprabhu? Of course we know that Mahaprabhu is Krishna pretending to be Radhika. Mahaprabhu is not Radhika, he is Krishna in the mood of Radhika. Therefore Mahaprabhu came with these three desires. How to understand the glories of Radharani's pranayam? Who understands Radharani's pranayam? No one can understand more than Sri Rupa Manjari. She is like Radhika's shadow. Sometimes someone might ask, Radhika, are you happy? Then Krishna may ask, Radha may answer, I don't know. If you want to know if I am happy, look at Rupa Manjari. If she is happy, I am happy. If she is sad, then I am sad. So no one can know the pranayam or the feelings that Radhika has for Krishna more than Sri Rupa Manjari, because Sri Rupa Manjari is Radharani's second rupa. When Radharani's prem takes a second form, that is Rupa Manjari. So who can understand Radharani's prem more than Rupa Manjari? Sri Radhika tastes the sweetness of Sri Krishna. But when she tastes that sweetness in the heart,